मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खराब सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने नशे के खिलाफ प्रशासन के अभियान की सराहना की। सीएम ने कहा, नशे का अवैध काम करने वालों की कमर तोड़ दो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में नल जल योजना की जानकारी ली। उन्होंने पूछा, जहां जहां योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, वहां पानी की सप्लाई हो रही है कि नहीं। शिवराज ने कहा, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता नल से जल घरों में पहुंचना है, बिना बाधा के घर तक पानी पहुंचे। जल देना पुण्य का काम है। एकल नल जल योजनाएं पूर्ण होने पर विधायकों को सूचित करें। उन्होंने कहा, रिस्टोरेशन का जो काम है उसमें शिकायत है। रिस्टोरेशन के काम में कुछ स्थानों पर सड़कें खराब हुई हैं, वो ठीक हुई या नहीं, इनको जरा गंभीरता से देखिए। उन्होंने पूछा, सागर कमिश्नर देखते हैं क्या योजनाओं के कार्यों को? और नीचे भी आप ये चेक करके रखो, नहीं कोई इस अभियान के नाम पर पैसे दे ले लेने लगे। मुख्यमंत्री बड़े सकते हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा उपयोग नहीं करते उसका, कहीं ये भी नजर रखने की जरूरत है। जी सर, कहीं नीचे स्टाफ थाने इस काम में नहीं लग जाए? जी जी सर, इसको कैसे चेक करते हैं? ये कमिश्नर आई जी बैठे हैं हमारे। नमस्कार सर, अनुराग बोल रहा हूँ। नशा मुक्ति अभियान का पूरे संभाग में सर बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, और कई प्रकरण बने हैं सर, लगभग 1700 से अधिक प्रकरण हमारे पूरे संभाग में बने हैं शराब के विरुद्ध, और लगभग 45 के आसपास हमने एनडीपीएस की कार्रवाई भी किया। जन जागरूकता के अभियान भी लगातार चल रहा है सर, 1000 से अधिक जन जागरूकता अभियान स्कूल में, कॉलेजेस में, गाँव में जाके कर रहे हैं सर। सार्वजनिक स्थलों पर जहाँ भी शराब पीने की शिकायतें हैं या फिर मादक पदार्थ पीने की शिकायतें हैं सर, वहाँ पे भी हम दमोह जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पूछा, नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें कुछ हुआ है या नहीं? नशे का अवैध काम करने वालों की कमर तोड़ दो। यह गांव में या फिर दुकानों पर बिक रही है या फिर चोरी छिपे बिक रही है, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नीचे भी अच्छे से चेक करें, वरना अभियान के नाम पर पैसे लेने देने लगे। यह बहुत पवित्र उद्देश्य से हम कर रहे हैं, और इसलिए मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा, केवल डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। जो लोग पीते हैं उन्हें समझना भी है कि नशा नाश की जड़ है, और परिवार पैसा और शरीर को तबाह कर देता है। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ? सर, नशे का जो अभियान सर 8 तारीख से चला सर, उस पर सर 9 एनडीपीएस के प्रकरण बने हैं सर, और 181 सर 183 सर आपकारी प्रकरण बना सर, काफी कार्रवाई हुई सर, और जो प्रचार प्रसार भी हो रहा सर, वो जो लोगों को समझाइश वाली कार्रवाई सर, उसमें लगातार कैंप लग गया सर। एक कैंप में सर विधायक जी खुद ही सर उपस्थित हुए थे सर, और लोगों को सर गांव में शपथ भी दिला रहा सर, जहां पर नशा का ज्यादा प्रभाव होता सर वहां पर लोगों को शपथ भी दिला रहा सर। पवित्र उद्देश्य से हम कर रहे हैं, और इसलिए मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। केवल डंडा चलाने से काम नहीं होगा। जो लोग पीते हैं उनको समझाना भी है कि नशा नाश की जड़ है, और परिवार को, शरीर को, धन को, सबको तबाह कर देता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।